स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन मिलेगा करोड़पति। सज्जनों हम 21वीं सदी में हैं जहां हम हर दिन प्रतिदिन कई टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हैं। किसी से बात करने के लिए मोबाइल है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंटरनेट है, खाना मंगवाने के लिए फूड डिलीवरी ऐप है, मनोरंजन के लिए स्मार्ट टेलीविजन है। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली कि मनुष्य ने जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई सारी टेक्नोलॉजीज का आविष्कार कर लिया, लेकिन जिंदगी बदलने के लिए आज भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है और ना ही कभी बनेगी। कल भी जिंदगी बदलने के लिए मेहनत का सहारा लिया जाता था और आज भी जिंदगी बदलने के लिए मेहनत का ही सहारा लिया जाता है, और उसी मेहनत का परिणाम है कि आज मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट गिरीश टंडन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जी। गिरीश जी का परिचय देने में मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि कल इन्होंने कहा कि दुनिया की बेस्ट, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आर्मी, इंडियन आर्मी का ये हिस्सा है। सम्मानजनक तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। मैं हमारी जनता को बता दूं कि ये इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। कल इनका खेल शुरू होने से पहले ही समय समाप्ति की घोषणा हो गई। गिरीश जी आपका स्वागत, लेकिन कंपेनियन के रूप में आज आप किसे लाए हैं अपने साथ? अपनी धर्मपत्नी आरती। प्रणाम करता हूं आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। कितने वर्ष हो गए गिरीश जी आपको आर्मी में? पिछले 7 सितंबर को हमने 20 साल कंप्लीट कर लिए। 20 साल से आप भारत की फौज में कार्यरत हैं, वाह। एंड उस उपलक्ष में दिल्ली में, बिकॉज लकीली इतनी बड़ी जगह है, काफी हमारे साथी जो हैं जी, या जो शॉर्ट सर्विस थे छोड़ चुके हैं या जो वहाँ पे पोस्टेड हैं, सो वी हैड अ ग्रेट गेट टुगेदर, बहुत बड़ा किया था। जी जी जी। और जब उन लोगों से मिले तो ऐसा लगता नहीं है कि 20 साल हो गए, मतलब दिल उतना ही यंग है, एनर्जी लेवल उतनी ही है। इट इज जस्ट कि थोड़े बहुत ग्रे आ गए, हम ट्राई करते हैं उसे ढकने का, बट ऐसा लग रहा है कल की बात है। हमेशा ऐसे ही लगता है जब यस सर किसी के साथ इतना समय बिता लेते हैं हम लोग, तो ऐसा लगता है बस कल ही तो मिले थे। सीरियसली बहुत गर्व है सर हमें भारत की फौज। थैंक यू वेरी मच सर, और आप ही लोगों का सपोर्ट है जो हमें मोटिवेट करता है टू डू व्हाटएवर वी आर डूइंग। और मैंने हमेशा ऐसा माना है गिरीश जी कि डिसिप्लिन का जो सबसे उत्तम उदाहरण है वो हमारी इंडियन आर्मी है। दैट इज ट्रू। और वही कला, वही एक तरह से जो आदतें हैं उनकी, या हमारे आम जीवन में अगर लागू हो जाए तो हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। सही बात है। और इस उम्र में भी, मैं आपको बता दूं, अगर आज मुझसे कहेंगे कि सर 3 महीने आप आर्मी में जा करके ट्रेनिंग कीजिए, मैं जाने के लिए तैयार हूं। इस उम्र मतलब सर? इस उम्र में मैं अपनी उम्र की बात नहीं, हमारे में एनर्जी लेवल के हिसाब से नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूं। हम उम्र हैं जी। ऑलराइट, व्यक्तिगत बातें बहुत हो गई, आगे चलते हैं। तो गिरीश जी आज आप स्पॉटलाइट पे हैं और चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं, केवल आपको समझा दें आपकी सुविधा के लिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 3 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। पहली है ऑडियंस पोल, दूसरी ऑप्शन है 50-50, दो गलत विकल्प जो हैं वो मिट जाएंगे, दो बचेंगे, और तीसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आप अपने किसी मित्र से फोन करके प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। प्रारंभ किया जाए गिरीश जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। गिरीश जी पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए पहला प्रश्न, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस अंग्रेजी कहावत के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? फॉर्च्यून फेवर्स द ब्लैंक, विच वर्ड फिल्स द ब्लैंक ऑफ दिस इंग्लिश प्रोवर्ब, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्लैंक। ऑप्शन सुनिए, ए ब्रेव, बी साइलेंट, सी स्लीपी, डी एंग्री। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए ब्रेव। ए ब्रेव पे लॉक किया जाए, देखते क्या है ये। बिल्कुल सही उत्तर दिया, 1000 जीत गया।
इस कहावत के अनुसार जो लोग साहस दिखाते हैं उनके ही सफल होने की अधिक संभावना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। भारतीय नौसेना के संबंध में इनमें से किस शब्द में वाइस या रियर शब्द जोड़ने से एक रैंक का नाम बनता है? एडिंग द टर्म्स वाइस और रियर टू विच ऑफ दीज वर्ड्स गिव्स यू अ रैंक इन द इंडियन नेवी। ऑप्शन सुनिए, ए मार्शल, बी जनरल, सी ब्रिगेडियर और इज इट डी एडमिरल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी एडमिरल। डी एडमिरल पे ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली राइट जी, ताली बजिए ताली। इंडियन नेवी में वाइस और रियर एडमिरल कुछ सबसे ऊंचे रैंक्स के होते हैं, वो लेफ्टिनेंट और मेजर जनरल के इक्विवेलेंट होते हैं। यस सर। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आ रहा है गिरीश जी, और ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। आमतौर पर इनमें से क्या अन्य तीन के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्री से नहीं बनाई जाती है? Which of these is not usually made with the same main ingredient as the other three? ऑप्शन सुनिए, ए बिरयानी, बी पुलाव, सी उपमा या डी पोंगल। थिंक सर डी पोंगल होना चाहिए इसका। उपमा में शायद चावलों से बनती है, आई डोंट नो। सोच लीजिए, अगर आपको समय चाहिए तो लाइफलाइन ले सकते हैं। सूजी से सर, प्लीज लॉक ऑप्शन सी उपमा। सी उपमा पे ताला लगा जाए। यस सर, बिल्कुल सही जवाब दिया। अरे भाई साहब, हमारी बात दे दिया। उपमा जो है वो रवा से बनाई जाती है। हाँ, समझ गया सर। बाकी सब तो है चावल से बनते। मेरा खून हो जाता सर। वो रोज कहती थी, आओ आपको दालें दिखाऊं, मैं कभी किचन गया नहीं। तो उपमा जो है वो रवा से बनाई जाती है, जिसे गेहूं से निकाला जाता है, और पुलाव, बिरयानी और पोंगल सभी चावल से बने हुए व्यंजन होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर गिरीश जी, ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है सर। आमतौर पर एप्स में इस चिन्ह पर क्लिक करने से आप इनमें से क्या कर सकते हैं? जनरली क्लिकिंग ऑन दिस सिंबल इन एप्स अलाउज यू टू डू विच ऑफ दीज। पहले इमेज दिखाई जाए। देख लिया सर। ऑप्शन देखिए, ए शेयरिंग अ फोटो, बी क्लिकिंग अ फोटो, सी एडिटिंग अ फोटो और इज डी डिलीटिंग अ फोटो। एक चित्र साझा कर सकते हैं, एक चित्र खींच सकते हैं, एक चित्र संपादित कर सकते हैं या एक चित्र मिटा सकते हैं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए शेयरिंग अ फोटो। शेयरिंग अ फोटो, ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, 5000 जीत गए। अच्छा, हमारे ज्ञाननाथ जी बता रहे हैं कि ये जो सिंबल है, ये इस आइकॉन को एलेक्स किंग ने बनाया था, और पहले इसका संबंध एक वेब पेज शेयर करने से था। वेब पेज को शेयर करने से था, उसके बाद ये आम हो गया है सब जगह। गिरीश जी, पहला पड़ाव आ गया है पांचवें प्रश्न का, 10000 रुपए इसका मूल्य है। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। दिलीप तिर्की को इनमें से किस खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दिलीप तिर्की was elected as the president of which of these sporting bodies? A. AIFF, B. Hockey India, C. All India Chess Federation or is it D. the BCCI? Sir, please lock option B. Hockey India. Hockey India? Yes. Sure. लगा दे ताला? Definitely. B पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया। पहला बड़ा पार हो गया गिरीश जी। थैंक यू सर। दिलीप तिर्की भारतीय हॉकी टीम के लिए यस सर 400 से अधिक बार खेले, बहुत अच्छे उम्दा प्लेयर और बहुत उम्दा प्लेयर है। वो उस भारतीय दल का हिस्सा थे जिसने 1998 एशियन गेम्स में स्वर्ण और 2012 में रजत पदक उन्होंने जीता था। यस सर। गिरीश जी, हमें मालूम है कि आर्मी के बारे में कहाँ पोस्टिंग होती है, क्या करते हैं, किस तरह का काम आपको नियुक्त किया जाता है,
एग्जैक्टली आपका रोल क्या है आर्मी में? सर जब हर आदमी कोई ऑफिसर कमीशन होता है तो किसी ना किसी यूनिट और रेजिमेंट में होता है जी हाँ। सो मैं एक प्राउड गनर हूँ। गनर मतलब आप सबको पता होगा आर्टिलरी जो होती है। जी जी जी। सो मैं आर्टिलरी में कमीशन हुआ था एंड आर्टिलरी का काम आप सबने कारगिल वॉर के टाइम भी सुना होगा। देखा जी कि इन्फेंट्री ऑफ कोर्स बहादुरी से जो पहाड़ों पे चढ़ना है दैट इज वो इन्फेंट्री का काम है, लेकिन कई बार होता है कि दुश्मन आप पे बड़ा प्रिसाइज फायरिंग कर रहा है और अगर उसको आप दबाएंगे नहीं उसके फायर को सो वो अपने को ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है। अपने जो जवान इतने मुश्किल हालातों में ऊपर चढ़ रहे हैं उनकी हमें काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान हो सकता है। सो आर्टिलरी का ऐसे में काम होता है टू पिन डाउन दी एनिमी जो हम बोलते हैं और उस पर इतना एक्यूरेट आप फायर लाएँ कि जब हमारे इन्फेंट्री के जवान ऊपर चढ़ें तो दुश्मन आधा या तो वैसे ही खत्म हो गया या उसमें वो मनोबल ना बचाओ जिससे वो लड़ाई लड़ सके। सो दैट इज द जॉब ऑफ आर्टी। एंड अभी कारगिल जो वॉर में आर्टी का रोल था जी जी तो उसको मद्देनजर रखते हुए 0.5140 था जिसका नाम अब बदल के गन हिल रख दिया गया है। किस लिए? ये तो वहां पे एक टाइम ऐसा आया था जब अपना एडवांस रुक गया था और वो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट जगह थी जहाँ पे हमारा जाना जरूरी था। सो उसके बाद आरटी का प्लान मतलब बनाया, फिर आरटी ने जब फायर किया, इनफैक्ट जो ओपन सोर्सेज में भी कई चीज़ें उससे पता लगता है कि जो हमारे एडवर्सरीज थे उनके कई जर्नल्स ने अपनी बुक्स लिखी हैं उसमें बताया कि जो इंडियन आरटी का फायर था उसने दुश्मन के मन में ऊपर वाले का डर बिठा दिया। एंड उनके जो बंकर्स थे वो बिल्कुल चकनाचूर हो गए थे। सो दैट वाज द रोल ऑफ आरटी और उस वजह से उस 0.5140 का नाम गन हिल पड़ा है। ओह ओके, वेल डन सर। ऑलराइट, खेल की ओर ध्यान देते हैं गिरीश जी। छठा प्रश्न आएगा आपके सामने, 20,000 रुपए इसका मूल्य है और अब से आपको मिलेंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विशाल भरद्वाज के शेक्सपियर रूपांतरण में यदि मैकबेथ मकबूल है, ओथेलो ओमकारा है, तो हैमलेट क्या है? पता नहीं फिल्में वगैरह देखते हैं कि नहीं आप। इन विशाल भरद्वाज शेक्सपियर अडेप्टेशंस, इफ मैकबेथ इज मकबूल, ओथेलो इज ओमकारा, व्हाट इज हैमलेट? ऑप्शन सुनिए, ए हुसैन, बी हमीद, सी हमजा, डी हैदर। ये सारी ही मूवी और सारी चीजें विशाल भारद्वाज की हैं तो इट हैज टू बी हैदर आई सपोज। मैं अदरवाइज बुक्स का कोई इतना खास शौकीन नहीं हूँ बट अगर मूवीज के नाम से मैं जाऊँ तो इट हैज टू बी हैदर सर। बिकॉज क्या करेंगे सर? प्लीज लॉक ऑप्शन डी हैदर। डी हैदर पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। हैदर फिल्म में शाहिद कपूर थे, श्रद्धा कपूर थी, के मेनन और तबू हैं। ये 2014 में रिलीज हुई थी और इसकी कहानी कश्मीर में सेट। तो जान हलक में आ गई। तो मतलब आई थिंक आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है जो पता करता है कि सारी पिक्चर देखने वाले ने क्या नहीं देखा। आई थिंक वो क्वेश्चन था, दिस मस्ट बी वन ऑफ द रेयरेस्ट पिक्चर जो मैंने नहीं देखी है। एंड ऑफकोर्स पढ़ाई से इतना कोई ना टाइम मिलता ना इतना शौक है। सो शेक्सपियर को हमने पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन देखिए सिनेमा की वजह से आपको पता चला। Yes, ये हो सकता है। Yes, आप ये देखिएगा, तीनों फिल्में देखिएगा और अगर आपने थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा शेक्सपियर का, मैकबेथ का, हैमलेट का, तो आपको पता चलेगा कि कितनी खूबसूरती से इनको एक फिल्म में अडेप्ट किया गया है। ब्यूटिफुली डन। ऑलराइट मान्यवर, सातवां प्रश्न अब आपके सामने आएगा। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लखनऊ हवाई अड्डे का नाम किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेंड्स हिज नेम टू द लखनऊ एयरपोर्ट? ए चौधरी चरण सिंह,
बी वीपी सिंह, सी चंद्रशेखर या डी आईके गुजराल। आईके गुजराल जी तो दिल्ली या पंजाब के अमृतसर के आसपास के कहीं से थे, एंड चंद्रशेखर जी अदरवाइज बलिया से आते थे। आई सपोज अगर यूपी के हैं उन्होंने रिस्क लेना चाहिए कि नहीं। आप के पास अभी भी लाइफलाइन है सर? आई टेक लाइफलाइन। यू लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट, एक शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? ज्ञानी जनता के पास जाओ। ज्ञानी जनता, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। लखनऊ हवाई अड्डे का नाम किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? ए चौधरी चरण सिंह, बी वीपी सिंह, सी चंद्रशेखर या डी आईके गुजराल। और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, चौधरी चरण सिंह जी को 54% मिला है और डी को 42%। क्या करेंगे आप? सर जनता जनार्दन के साथ जाएंगे सर। जनता के साथ जाएंगे। लॉक ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता। थैंक यू। इट इज कॉल्ड द चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सर लखनऊ का एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नॉट एग्जैक्टली आप, बट फिल्म वाले जो हैं जी, उन्होंने फौज को जो पोर्ट्रे किया हुआ है तो उस इमेज को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है सर। मैं आपके सामने बिल्कुल एक आम आदमी की तरह बैठा हूँ। जी जी। ना मेरे मतलब गले में स्कार्फ है, मूछें नहीं है, वो सिगार नहीं है, बंदूक नहीं है, तो हम आम आदमी भी हो सकते हैं। मतलब मूवी में जो डिपिक्ट करते हैं सर, सुबह का टाइम भी हो बाय गॉड वो एक हाथ में वो लीवर खराब वाली दवाई होगी, और अगर वो लड़की का बाप है तो बंदूक भी होगी। तो जी आप जी थोड़ा उनको नॉर्मल भी डिपिक करवाइए सर जरा। ठीक है सर। जितना मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारा ये कार्यक्रम देख रहा है, सुन लीजिए गिरीश चंद्र जी की बात को। ओके गिरीश जी, एक और प्रश्न आपसे पूछना था कि बचपन से ही आपको ये था कि मुझे आर्मी में जाना है? यस सर। मतलब मेरे फादर बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक थे। कोई देशभक्ति की मूवी आती थी तो भी वो आई थिंक उनको धुंधला ही दिखता होगा, बिकॉज उनकी आईज वो टीयरीज रहती थी। और वो जब VCR वाला ज़माना था तब वो हकीकत या ऐसी मूवी ला के हम देखते थे। 26 जनवरी को राजपथ पे जो परेड होती है वो हम हमेशा देखते थे। सो बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक थे। और मतलब मेरे भाई बहन ने भी बचपन से ही NCC वगैरह स्कूल में ही लिया था। आई ऑल्सो मैंने भी NCC लिया अपने कॉलेज में। एम वॉज मतलब कहीं और सोचा ही नहीं, क्लियर ही था कि यहीं जाना है, बिकॉज ये मेरा बचपन से सपना था सर। और मेरे से ज्यादा मेरे फादर का। ओके सर। सो इनफैक्ट जब सर मेरी पासिंग आउट हो रही थी, सो जब पासिंग आउट होते थे तीन तीन की फाइल में घूम रहे होते हैं, सो आई वाज द फ्रंट वन। तो पेरेंट्स ऐसे सामने बैठे हुए एंड यू आर फेसिंग देम, सो आई कुड मेक आउट कि ही इज नॉट सीइंग मी। मतलब वो ही जस्ट क्राइंग। संतान जब एक एक स्थान प्राप्त कर लेता है sir, वो उपलब्धि जो उनको बचपन से लगती है और माता पिता जब जान जाते हैं कि उसने प्राप्त कर लिया है, इससे बड़ी खुशी जो है किसी भी पेरेंट के लिए नहीं होती। बट सर एज ए बेटा मैं उनको वो खुशी नहीं दे पाया, बिकॉज सितंबर 2002 में मैं पास आउट हुआ। जी जी। और उसके तुरंत बाद हम कहीं आगे जाना था, तो उन्होंने मेरे को बोला छुट्टी भी जो थोड़ी बहुत मिलती है पासिंग आउट के बाद, यार एक बार यूनिफॉर्म और पहन के दिखाई हो। तो मैं कहा यार पूरी उम्र पड़ी है, आप मेरे पास आ जाना। ही पास्ड अवे। या आई एम सॉरी टू हियर दैट। ओके ऑलराइट गिरीश जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं आठवें प्रश्न पर। सर आठवां प्रश्न है 80,000 रुपयों के और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गिरीश जी, ये एक और इमेज प्रश्न होगा। किस तरह के प्राणी से हमें कौड़ी नामक खोल मिलता है? What kind of creature gives us such a shell called कौड़ी? ये एक इमेज प्रश्न है, आपको दिखाते हैं इमेज।
ऑप्शन सुनिए, ए स्क्विड, बी टॉर्टोइस, सी प्रॉन या डी सी स्नेल। स्क्विड कछुआ, झींगा या समुद्री घोंगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी सी स्नेल। सी स्नेल, डी पे ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। कौड़ी जो है वो कुछ स्नेल्स के शेल होते हैं और उनकी सुंदरता और मूल्य के कारण अक्सर आभूषण और मुद्रा के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। यस, कि बहुत सारे आभूषण बनते हैं। यस, बचपन में तो हम लोग कौड़ी खेलते थे, है ना? फूटी कौड़ी का तो कोई दाम भी नहीं मिलता है। फूटी कौड़ी का कोई दाम भी नहीं मिलता जी, तो उसके साथ खेलते थे, जैसे फेंकते थे और फिर वहां जाकर उसको मारना पड़ता था। गोली के साथ जैसे खेलते थे ना मार्बल्स, कौड़ी के साथ खेलते। हाँ जी। ऑलराइट, आ गया नवा प्रश्न। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। गिरीश जी, नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद किसने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि उनके वंश का अंत हो जाएगा? Who cursed Lord Krishna after the battle of Kurukshetra, proclaiming that his clan would come to an end? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने, ए कर्ण, बी धृतराष्ट्र, सी गांधारी या डी द्रोणाचार्य। सर कुरुक्षेत्र के बाद तो धृतराष्ट्र का क्लैन आई थिंक खत्म हो गया था एंड उनको लगता था कि कृष्ण जी इसकी मुख्य वजह हैं। इसको अंकित कर दीजिए पहले, और दो जो गलत विकल्प है उनको मिटा दिया जाए। ऑप्शन सी गांधारी। गांधारी, हाँ जी सर, सी पे ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। तो गांधारी कौरवों की माता थी, पांडवों को भगवान कृष्ण की सहायता के कारण गांधारी ने अपने कई पुत्रों को खोया, इसलिए उन्होंने ये कहकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनका कुल एक दूसरे को मार डालेगा। आ गया है 10वां प्रश्न। और अगला प्रश्न डालने से पहले हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको एक चेतावनी देते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ये। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा कथन मिजोरम राज्य के बारे में सही नहीं है? Which of these statements is not true about the state of Mizoram? A. It has an international border. B. Its capital is Aizawl. C. It is landlocked. D. The Brahmaputra flows through it. इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसकी राजधानी Aizawl है, ये एक भूमिबद्ध राज्य है या ब्रह्मपुत्र इससे होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र सर, आई सपोज इंडिया में आने के बाद मेनली अरुणाचल और देन असम की तरफ जाती है। सर आई विल गो विद ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू इट। डी के साथ जाएंगे? यस। ऑलराइट, डी पे ताला लगाया जाए। कबीर जी, यस राइट आंसर। मिजोरम जो है उत्तर पूर्वी भारत की 7 सिस्टर्स राज्यों में से एक, ये लैंडलॉक्ड है और इसकी राजधानी Aizawl है। इसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है और लगती भी है ब्रह्मपुत्र इससे होकर नहीं बहती। yes. क्योंकि नदी का प्रवाह उत्तर में है, अरुणाचल प्रदेश जिसका आप नाम ले रहे थे yes. और असम से होकर। यस yes. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई हो आपको गिरीश जी। और चेक आ गया आपके नाम 3,20,000 रुपए का, तालियां बजाने के लिए। थैंक यू सर। तीन लाख बीस हजार रुपए का चेक आपके नाम। कल जब हम आए थे तो किसी ने पूछा कि अगर वहां नहीं भी पहुंचे
तो सर से ऑटोग्राफ मिलेगा कि नहीं? नहीं तो नहीं मैंने मिलेगा। कहा नहीं, मैं तो यही ऑटोग्राफ लेके जाऊंगा। ऊपर वाले ने ये वैसे भी अगर आप मांग लेते तो हम देते हैं आपको, कोई बात नहीं। ओके, मैं जस्ट इनका जो एक रोल होता है आर्मी में वाइफ्स का, उसको थोड़ा एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। बिकॉज हमारा धर्म अगर आप बोलें तो देश के प्रति है, प्लस जो हमारे यूनिट में हमारे जवान होते हैं उनके प्रति हमारा धर्म है। सो ये असल में अपना धर्म पत्नी का फर्ज निभाती हैं। बिकॉज जब हम लोग आगे जाते हैं सो ये उनके परिवारों का ध्यान रखती हैं, सो दैट उनके परिवारों को कोई प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज अगर परिवार परेशान होंगे तो जो आदमी फॉरवर्ड में है वो अपना काम उतनी शिद्दत से नहीं कर पाएगा। सो देन ये एक परिवार बन के एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा सर बहुत से ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे हमें भी पता है कि हमें अपने परिवार के साथ होना चाहिए, बट कमिटमेंट्स की वजह से हम नहीं हो पाते, तो ये कभी इस चीज को जताते नहीं है जी। और हम भी कभी ऑब्वियसली एक्नॉलेज नहीं करते जी जी। बट आज इस मंच पे आई वुड लाइक टू थैंक हर फॉर बीइंग विद मी। हाउ जेनरस। नहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सर। द फोर्स बिहाइंड द फोर्स। एब्सोल्युटली राइट सर, द फोर्स बिहाइंड द फोर्स। एंड कई बार सर कहने में संकोच नहीं, हमको अवसर मिलता है कि ऐसे कार्यक्रम में जाने जहाँ पर जितना भी हम धनराशि इकट्ठा कर सकें या कोई नेक काम कर सकें। आर्मी वाइव्स वेलफेयर फंड है जिसके लिए हम अपना योगदान देते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो आर्मी है ना ये बहुत ही एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे जब हम फॉरवर्ड में भी होते हैं या कोई ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ हो सकता है हमें अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़े जी जी, तो वहाँ भी आदमी के पैर जो रुकते नहीं है उसके पीछे ये आश्वासन भी है कि अगर परिवार का क्या होगा। हमारा एक कोस्टमेट था, कीर्ति चक्र रेवॉर्डी, उनकी डॉटर 1.5 साल की थी एंड मैम कैरी कर रहे थे और जब JNK में ही गेव ए सुप्रीम सेक्रीफाइस एंड डॉटर का बर्थ बाद में हुआ है। एंड आफ्टर 2-3 साल मैम भी पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कैंसर। सो अभी हमारे कोस्टमेट्स भी इकट्ठा करके ट्राई करते हैं कि ऑन मतलब हर बच्चे के बर्थडे वगैरह पे इकट्ठे होके कुछ ना कुछ करें। सो यस, बट आर्मी टेक केयर करती है सर। टेक केयर करती है सर, बट आई जस्ट फील कि यस सर कहीं ना कहीं देशवासियों के मन में ऑब्वियसली उसको कोई भर नहीं पा सकता। यस बिल्कुल सर। ऑलराइट, बातचीत में बात निकल गई, कुछ चीजें आपको बताना हम भूल ही गए सर। वो ये कि एक तो ये जो DJ बाबू है ये शांत हो गए, आपके पास समय समय है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। दूसरा ये जो हमने आपको बताया था तिलिस्मी तिजोरी, जो 17वां प्रश्न है उसका द्वार खुल जाता है, ये है 7.5 करोड़ का। और 15वां प्रश्न जो धन अमृत पड़ाव है, एक जो नया पड़ाव की बार हमने यहाँ पर उसका इंट्रोड्यूस किया है सर, वो है 75 लाख का। और आपके पास अब बची हुई है 1 लाइफलाइन। अगला प्रश्न जो है हम कहते हैं लीस्ट रिस्क वाला होता है, क्योंकि अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। यस। अब आ रहा है 11वां प्रश्न सर, इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में रोड्रिगो ड्यूटर्टे की जगह किसने ली थी? Who succeeded Rodrigo Duterte as the president of the Philippines in the year 2022? ऑप्शन सुनिए, ए लेनी रोब्रेडो, बी मैनी पैकियाओ, सी फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, या डी इसको मोरेनो। समय समय आपके पास सर, खेलिएगा जरूर इस प्रश्न को, और 1 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। नाम तो सर इन चारों में से मेनली इसको मोरेनो का सुना हुआ लग रहा है। आई डोंट नो किस संदर्भ में सुना था या क्या वो था। मैनी क्यूनो,
सर आई थिंक मुझे अपनी आखिरी लाइफलाइन के पास भी जाना पड़ेगा. ओके सर, लेना चाहेंगे? यस सर. ऑलराइट कबीर जी, गिरीश टंडन जी आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसको अंकित कर दीजिए. ये है वीडियो कॉलर फ्रेंड, और आपने तीन नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे. ये है वो नाम, कर्नल संजय जोशी, गौरव टंडन एंड मेजर एन के गद्योक. कर्नल जोशी. कर्नल संजय जोशी को वीडियो कॉल लगाया जाए. ये आपके ही रेजिमेंट से हैं या क्या? सर मेरे सेकंड कमांडिंग ऑफिसर थे. ओके ऑलराइट. कर्नल जोशी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से. नमस्कार मिस्टर बच्चन, मेरे सामने लेफ्टिनेंट कर्नल गिरीश टंडन जी बैठे हुए हैं. वेरी नाइस. और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं. जी. उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके चार ऑप्शंस होंगे, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको बताना है सही उत्तर इसका क्या हो सकता है. ओके जी. ऑलराइट गिरीश जी, आपका समय शुरू होता है अब. सर आंसर. सर हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस? इज इट लेनी रोब्रेडो, मैनी पेक्विनो, फर्निडेड मार्कोस जूनियर और इस्को मोरेनो? प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस 2022 में सर अभी इलेक्ट हुए हैं, लेनी रोब्रेडो, मैनी पेक्याओ, फर्निडेड मार्कोस जूनियर या इस्को मोरेनो? Please, I'm not sure. Sir. Not. इसको मोरेनो सुना हुआ लग रहा है सर. I'm not sure. अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है. हाँ जी सर. बट मैं तो आपसे कहूंगा कि खेलिए जरूर, बिकॉज आप लिस्ट रिस्क है. लेनी रोब्रेडो, मैनी पेक्याओ. नाम जो एक सुना हुआ लग रहा है उसी को ऑप्शन को ट्राई करूंगा. लेट्स सी सर, प्लीज लॉक ऑप्शन डी, इसको मोरेनो. डी इसको मोरेनो पे ताला लगाया जाए. नो सर, इट्स द रॉन्ग आंसर. फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर इज द राइट आंसर. फर्डिनेंड बोंग बोंग बोलते हैं इनका पेट नेम है. बोंग बोंग मार्कोस जूनियर एक फिलिपिनो राजनेता हैं जो फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति हैं. 17th. वो पूर्व राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस सीनियर के बेटे. आपने फर्डिनेंड मार्कोस का नाम सुना होगा. यस सर. सीनियर का नाम उनका सुना हुआ था सर. ये उनके बेटे थे. ऑलराइट गिरीश टंडन जी, आपके साथ मिलकर आपकी बातें सुनकर हमें ज्यादा आनंद आया. सेम ईयर. साथ साथ आपने 3,20,000 रुपए जीत लें, तो ये जो 3,20,000 है हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपको ऐप द्वारा. उनकी जीती हुई धनराशि उनको डिजिटली ट्रांसफर करके देंगे. लखनऊ कर्नल गिरीश टंडन, अकाउंट नंबर, प्रांत नाम, 3,20,000 कंफर्म गए आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त. थैंक यू. बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस. और आपकी बातें सुनकर हम सब के अंदर एक जोश है, एक तमन्ना है भारत की फौज के लिए. तमन्ना तो हमारी पूरी हुई है आपको समक्ष रूप से देख के. थैंक यू सो मच सर. लोग इतने 12-12 साल पूजा पाठ करके उनको भगवान प्रकट होते थे, हमने 2-4 महीने के अंदर ही आपके दर्शन कर लिए. इसके अलावा ऑलराइट, थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू फॉर ऑल द बेस्ट. थैंक यू. कम कम दिस और अरे बाप रे, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए. तो देवेंद्र संजय गिरीश टंडन जी आए और 3,20,000 रुपये जीत कर गए. बारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की. बाकी कंटेस्टेंट्स आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन्स के ऊपर आ जाए. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट. पहला प्रश्न आपके स्क्रीन्स के ऊपर ये रहा. मोनोरेल के रेल मार्ग में आमतौर पर कितनी पटरियां होती हैं? हाउ मेनी रेल्स डज द ट्रैक ऑफ अ मोनोरेल टिपिकली कंसिस्ट? ऑप्शंस आपके ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर. A1, B2, C3, D4. एक, दो, तीन या चार? समय समाप्त हो गया. सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है एक.
A1। किनके लोगों ने सही जवाब दिया है ए में? दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब जाडू श्याम सुंदर जी 0.96 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे श्याम सुंदर जी नंबर वन स्टार पर पहुंच गए। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्यवसाय के संबंध में एक प्रोप्राइटर इनमें से कौन होता है? विद रिस्पेक्ट टू अ बिजनेस, ए प्रोप्राइटर इज विच ऑफ दीज? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ए कर निरीक्षक, बी ग्राहक, सी मालिक या डी खजांची। टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टमर, ओनर, कैशियर। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी ओनर, यानी कि मालिक। अब सी में देखते हैं किन किन लोगों ने जवाब दिया है। दो को छोड़ के यहां ने भी सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? मानवी, मानवी जी का 1.62 सेकंड। मानवी मनहा। और अब लीडर बोर्ड में जो स्थिति बनती है श्याम सुंदर जी नंबर वन स्थान पर थे। मनीषा लालवानी जी पहुंच गई है नंबर वन स्थान पर। ओके, अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संरचना का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? Which of these structures is named after a person? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी कोस मीनार या डी झूलता मीनार। समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी कुतुब मीनार। कुतुब नाम से ये मीनार पड़ा है। बी में देखते हैं किनको लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और तेज सबसे किसका जवाब रहा? श्याम सुंदर जी, जादू श्याम सुंदर जी 2.55 सेकंड। तो और देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। मनीषा जी नंबर वन स्थान पर थी। मनीषा जी जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको मनीषा जी। थैंक यू सर। एक बार फिर तालियां बजाएं। थैंक यू। देखो सजनो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं मनीषा लालवानी जी। ये एक स्टेनोग्राफर हैं और ये अजमेर राजस्थान से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मनीषा जी। कैसा लग रहा है आपको? सर, लोगों के दिल की धड़कनें तेज होती है, मेरे पेट में बटरफ्लाईज होती है। सर एकदम ब्लैंक हो जाते हैं एक्चुअली में। इतना कुछ सोचा होता है और वो एकदम साफ हो जाता है यहाँ आते ही। एकदम गायब। गायब, लिटरली गायब। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ हैं? नहीं सर। आप केबीसी के सेट पे हैं? हाँ जी सर। आप हॉट सीट पर बैठी हुई हैं। आपके सामने एक बहुत ही मूर्ख आदमी बैठा हुआ है। सर अलग अलग तरह के प्रश्न जो है वो पूछता रहता है और यहाँ की जनता जो है आपको चारों तरफ से घेर के रखी हुई है। हाँ जी। अगर आप सही उत्तर देंगे तो वो ताली बजाएगी। ऑलराइट मनीषा जी, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाई हैं आज? सर मेरे हस्बैंड आए हैं। आपके पति देव आए हैं। नमस्ते सर। नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? उमेश नाम है सर मेरा। ओके उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। उमेश जी आप आजकल क्या कर रहे हैं? सर मेरा फुटवेयर का बिजनेस है, द हैंगिंग शूज नाम से अजमेर में। ओ फुटवेयर बिजनेस है आपका। जी सर। ओके आप बहुत खुश लग रही हैं कि पतिदेव जो है उनकी फुटवेयर की एक दुकान है। सर फुटवेयर की दुकान? सिर्फ महिलाएं हंस रही हैं क्योंकि तय हो गया है कि जितने चप्पल जूता आपको खरीदना होगा वहीं से आने वाला है। सर ऐसा नहीं है, इसलिए ही तो। ऐसा नहीं है सर, पूछिए उनसे, सिर्फ मेंस फुटवेयर है।
को पता था बीवी सारे लूट लेगी, इसलिए रखा ही नहीं। भाई साहब आपको बता दें, विवाहित जीवन को अगर आप संपन्न करना चाहते हैं तो शीघ्र ही आप एक विमेंस फुटवेयर भी दुकान खोल लीजिए। जी सर। नमस्कार मनीषा जी, इतना जान लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट पे हैं, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं और उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट मनीषा जी, पहला प्रश्न, 1,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन सी वस्तु आमतौर पर पैरों में नहीं पहनी जाती है? Which of these items is usually not worn on the feet? A. Flip-flops. B. Sandals. C. Sneaker. D. Bow ties. It's not worn. Sir, please lock option D. Bow ties. Bow ties. D pe tala laga jaye. Sahi jawab diya aapne. Bow tie jo hai wo gale mein pehante hain. हाँ जी। और एक तरह से विदेश में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इसको एक फॉर्मल वेयर कहा जाता है। सर आपको पसंद है टाई पहनना, बो पहनना? बो कभी कभी ये लोग पहना देंगे तो पहन लेंगे। आमतौर पर कभी टाई पहनाते हैं, कभी बो, कभी ये पहना देंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं है देवी जी, बता दो। सर जो आप पे सब अच्छा लगता है ना, इसलिए वो आपको सब पहना देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गलत प्रश्न हमने पूछ लिया। ओके, दूसरा प्रश्न, 2,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। एसएस राजामौली की 2022 की फिल्म के शीर्षक में कौन सा अक्षर 3 बार आता है? व्हिच लेटर ऑकर्स थ्राइस इन द टाइटल ऑफ अ 2022 मूवी बाय एसएस राजामौली। ऑप्शन सुनिए, ए ए बी एफ सी के डी आर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी आर। लगा दे ताला, डी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। रामचरण और एनटीआर जूनियर ने इसमें अभिनय किया था, पता नहीं आपने फिल्म देखी कि नहीं। सर मैंने थोड़ी थोड़ी देखी, मेरे हस्बैंड ने लेकिन अच्छे से देखी हुई है मूवी। बहुत ही प्रख्यात फिल्म। हाँ, और बहुत बड़ी हिट हुई है। हाँ सर, इसमें रामचरण जी और एनटीआर जूनियर ने इसमें अभिनय किया था। तो आपने कहा कि आपने थोड़ी थोड़ी देखी है, यानी कि आपको वो ले जाते नहीं अपने साथ? सर वो तो लेके ही नहीं जाते हैं, मुझे तो थिएटर में मूवी देखना ही पसंद है, मुझे घर पे मजा नहीं आता। बहुत अच्छी बातें कर रही हैं आप, पर सर वो लेके ही नहीं जाते हैं। क्या आप बताएं, आपको बड़ी मुसीबत हो गई है देवी जी। जब से कोविड आया है ना, सब लोग घर में बैठे के देख रहे हैं। जी सर, गंदी आदत लग गई है। हमारा जो है वो मंदा हो गया है, इसलिए आपकी बातें सुनकर के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा धंधा जो है वो कायम रहेगा अगर आप हर हफ्ते जाए। भाई साहब आप इनको ले जाया कीजिए प्लीज। जी सर। और घर में बैठ करके जो आप देखते हैं ना, इस आदत को बंद कीजिए आप। सर वो मजा ही नहीं आता। थिएटर का मजा ही अलग होता है। जी सर, वही थिएटर का एम्बियंस ही अलग है सर। 100-200 लोग के बीच में खेल के चीखना चिल्लाना होता है। मूवीज का थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बेस्ट रहता है। बिल्कुल बेस्ट है। ऑलराइट ऑलराइट मनीषा जी, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 3,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर एक बो या हत्थे से बजाया जाता है? Which of these instruments is usually played with a bow? Option सुनिए, A. Guitar, B. Sitar, C. Violin, या D. Harmonium. Sir, please lock option C. Violin. C. Violin? लगा दें ताला? जी सर। C पे ताला लगाया जाए? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Violin को यूं पकड़ के एक bow होता है, तो तार को बजाता है ना। ओके, बाकी सब जो है वो उंगलियों से बजाए जाते हैं। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर, इसका मूल्य है 5,000 रुपए। ये एक इमेज प्रश्न होगा मनीषा जी। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस घटना में बिजली अचानक और कुछ क्षण के लिए बहती है? Which of these phenomena is a sudden and momentary flow
ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको इमेज के रूप में आएंगे जो तस्वीर अब यहां दिखेगी आप। इनमें से किस घटना में बिजली अचानक और कुछ क्षण के लिए बहती है सर, आपको बताना होगा कौन सा इमेज आप। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए? हाँ जी, ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है, बिजली गिर रही है, चमक रही है, लाइटनिंग या गाज यानी इलेक्ट्रिसिटी का विजिबल डिस्चार्ज तब होता है जब बादल के एक क्षेत्र में एक्सेस इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, जो हवा के रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। बिजली गिरती है भयंकर। जी सर। ऑलराइट, ये है खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए, पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में चक्रव्यूह को भेदने वाले अभिमन्यु जिस योद्धा के पुत्र थे वो इनमें से किस समूह का हिस्सा थे? इन द महाभारत अभिमन्यु हु एंटर्ड द चक्रव्यूह वाज़ द सन ऑफ अ वॉरियर हु वाज़ पार्ट ऑफ विच ऑफ दीज ग्रुप्स। ए सप्तऋषि, बी पांडव, सी राक्षस, डी वानर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी पांडवास। बी पांडव पे तल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, पहला भाव पार हो गया आपका। अभिमन्यु जो थे वो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव के साथ अर्जुन पांडु के पुत्र थे। ऑलराइट, पहला पड़ाव पार हो गया है और यहां से अब आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मिलेंगे 60 सेकंड। एक बहुत ही अच्छी बात हमको पूछनी है आपसे। जी सर। जब आपका हम परिचय दे रहे थे हमने कहा कि आप एक स्टेनोग्राफर हैं। हाँ जी सर। मेरा ऐसा अनुमान है मनीषा जी कि आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है उसको मालूम नहीं कि स्टेनोग्राफर होता क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। तो आप उनकी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए आप बताएंगे कि स्टेनोग्राफर होता क्या है। जी सर। स्टेनोग्राफर एक्चुअली में पोस्ट का नाम होता है, उसके लिए आपको शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ती है, जो लिपि कह लीजिए लिखने का एक तरीका है जिसमें आप इंग्लिश को, हिंदी को या किसी भी भाषा को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। लिखते आप इंग्लिश हिंदी ही हैं बट इन अ डिफरेंट मैनर, और वो शॉर्ट में होता है, आप बहुत जल्दी लिख सकते हैं उसे कंपैरेटिवली। मतलब इतनी बड़ी सी स्पेलिंग होगी वो आप इतना सा में उस आपका काम हो जाएगा, तो वो रिपोर्टिंग वगैरह में काफी काम आता है। तो आपकी जो पोस्टिंग है कहाँ पर है अभी, किसी कंपनी में है? सर मैं एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हूँ। अच्छा। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ सर। वहाँ आप काम करती हैं? जी सर, अजमेर में ही पोस्टेड हूँ सर मैं। ओके, मनीषा जी हम आपका टेस्ट ले सकते हैं? हाँ सर जरूर। एक कागज पेंसिल दो। हाँ ये आ गया, थैंक यू। ऑलराइट, तो मान लीजिए कि मैं आमतौर पर ऐसा होता है ना, जो बॉस होता है कंपनी का, जी सर, आप उसके लिए काम करते हैं तो वो जेब में ऐसे हाथ डाल के ऐसे टहलता रहता है है कि नहीं, है ना? और विल यू टेक डाउन सम नोट्स प्लीज, थैंक यू। जी सर। माय डियर उमेश, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट इफ विद इन 1 वीक you are unable to build a ladies shoe shop we shall close down your men's store. Oh my God. Thank you very much, with kind regards, Manisha L. ab humko padh ke suna dekhna padega kaise likha aapne. Ji sir. To ye to shorthand hai. Haan ji sir. My dear Umesh, yes? I would like to inform you that if within 1 week you are unable to build a ladies shoe shop, we shall close down your men's store. Thank you very much. With kind regards, Manisha Lalwani. Gayi sir aapki naukri.
आजकल की पीढ़ी को शायद स्टेनोग्राफर का जो महत्व है हाँ, वो नहीं मालूम, इसलिए हम आपकी सराहना करते हैं, आपने बहुत सुंदर तरीके से, काफी लोगों को नहीं पता है सर जी। इस सबको ऐसे लगता है जब भी हम बोलते हैं स्टेनोग्राफर है तो कोई जानता नहीं होता जी जी, तो उन्हें लगता है क्या हो आप, क्यों हो आप, मतलब इतना वियर्ड सा बिहेव करते हैं कभी कभी कि हम लोग भी सर भले किसी भी पोस्ट पे बैठा हो, कोई भी पर्सन हो, बीइंग स्टेनो नहीं, भले कोई बाबू हो, एलडीसी हो, क्लर्क लेवल पे काम कर रहा हो, सर वो अपनी मेहनत से आया होता है। जी जी जी, मैं स्टेनोग्राफर हूँ सर, मेरी भी अपनी एक जर्नी रही है जो कोई और मेरे ही बदले वो पूरी नहीं कर सकता जी, सर जी। मेरी भी अपनी मेहनत रही है तो सर, लेकिन सबको ऐसे लगता है स्टेनोग्राफर तो ऐसे ही बन गए होंगे, क्या किया होगा, क्या भाषा ही तो सीखी है। मैं बोलती हूँ एक बार दो दिन बस आप ट्राई करके देखिए, पता चलेगा आपको, पता चलेगा आपको कि कितना मुश्किल काम है। 10-12 घंटे सर पर डे आपको प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। ताली बज जाए स्टेनोग्राफर के लिए। यस, ऑलराइट मनीषा जी, अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न 20,000 रुपए का, और मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन गुजरात की एक आईपीएल टीम है? Which of these is an IPL team from Gujarat? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ए रॉयल्स, बी सुपर किंग्स, सी टाइटंस, डी इंडियंस। सर इसका सही जवाब है सी टाइटंस, जो हाल ही में फर्स्ट टाइम गुजरात टाइटंस आए थे और उन्होंने जीता भी एक खिताब। सर प्लीज लॉग ऑप्शन सी टाइटंस। ऑलराइट, सी टाइटंस पे ताला लगाया जाए। यस, एब्सोल्युटली राइट। आईपीएल बेशक यहाँ पर हर कोई देखता होगा, लेकिन गुजरात टाइटंस ने इस साल डेब्यू किया और अपने पहले ही वर्ष में ही उन्होंने टूर्नामेंट जीत लिया। हार्दिक पांड्या उसके कप्तान और भारत की टीम के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में थार के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र के बारे में इनमें से क्या गलत है? Which of these is not true about the region known as Thar in India? A. The Narmada flows here. B. Spread over parts of Rajasthan. C. It is a desert region. D. Camels are used for transport. Hindi mein batata hoon, Narmada yahan behti hai. Ye Rajasthan mein phaila hua hai. Ye ek Registani kshetra hai. Parivahan ke liye oont ka upyog hota hai. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, द नर्मदा फ्लोज हियर। नर्मदा फ्लोज हियर, ए पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया आपने। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं थार को। राजस्थान में फैला हुआ है और अपने रेत के टीलों, ऊंटों और एक अलग संस्कृति के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ झीलें भी हैं और लेकिन वो खारे पानी की झीलें हैं, जैसे कि सांबर झील। जी सर, आप गए हैं सर कभी? मैं गया हूँ, मैंने एक फिल्म में काम किया हुआ है वहाँ पर। अच्छा, उस फिल्म का नाम था रेशमा और शेरा। अच्छा, बहुत पहले फिल्म बनी थी, 1969-70 की बात कर रहा हूँ। और वो जैसलमेर से आगे चल करके पोचीना एक गांव है, वहाँ पर ये हमने शूटिंग की थी। अच्छा जी, और बारिश जो है वहाँ नहीं होती है। हाँ सर, बहुत। और जब हम लोग वहाँ काम कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर एक हमने 8-10 साल का छोटा बच्चा था, उससे वैसे ही बात कर रहे थे, तो हमने उससे पूछा कि इधर बारिश कब होती है, तो बहुत देर तक हमको देखता रहा। हमने कहा क्या हुआ? कहा सर हम समझे नहीं क्या बोले आप। उनको पता हमने ही कहा ही कि बारिश होती है यहाँ। बोला बारिश क्या होती है? उनको पता ही नहीं होगा बारिश। सर सोचिए, 8 साल के बच्चे को पता नहीं है कि बारिश क्या होती है, क्योंकि वहाँ कभी बारिश हुई नहीं। ये स्थिति है वहाँ की। ऑलराइट, चल रहे हैं आगे। आठवां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। आठवां प्रश्न 80,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगस्त 2022 में
हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत इनमें से किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू हुई? In August 2022, which of these places started selling national flags under the Har Ghar Tiranga program? Option suniye: A. Telephone exchange. B. Government hospital. C. Police station. Or D. Post office. Telephone exchange. Sarkari hospital. Police station. ये डाकघर। सर मुझे डी पोस्ट ऑफिस लग रहा है, बट मैं श्योर नहीं। मे बी इट्स सी और डी। सर मैं ऑडियंस कॉल लेना चाहूंगी। ऑडियंस कॉल लेंगी? जी सर। शांत हो जाइए। ओके। ऑडियंस कॉल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। आपके ऑप्शंस हैं ए टेलीफोन एक्सचेंज, बी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सी पुलिस स्टेशन या डी पोस्ट ऑफिस। और आपका समय शुरू होता है अब। डी पोस्ट ऑफिस को सबसे ज्यादा प्रतिशत। हाँ, थोड़ा सा जबान निकालने वाली बात आ गई। अरे रे, हमको बोल देना चाहिए था। 83% मिला है, क्या करेगा सर? प्लीज लॉक ऑप्शन डी, जनता के साथ जाएंगे। ऑप्शन डी पोस्ट ऑफिस में ताला लगाया जाए। और ये बिल्कुल सही जवाब दिया। इंडिया पोस्ट ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय ध्वज बेचना शुरू किया है। बिना पोल के तिरंगे का डायमेंशन 20 इंच × 30 इंच होता है। ध्वज का बिक्री मूल्य ₹25 प्रति झंडा है। सभी ग्राहकों को नवीनतम ध्वज नियमों का पालन करना होगा। आपने खरीदा था, आपने लगाया था ध्वज हर घर तिरंगा? सर, मेरे फादर इन लॉ ने लगाया था घर पे, हमारे आसपास सबने लगाया था सर। जी जी। आ गया है नवा प्रश्न आपके इस खेल में, और इसका मूल्य है ₹1,60,000। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न ₹1,60,000 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राजवंश के शासन को प्रचलित रूप से भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? द रूल ऑफ विच ऑफ दीज डिनेस्टीज इज पॉपुलरली रेफर्ड टू एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ऑप्शन सुनिए: ए राष्ट्रकूट, बी गुप्त, सी काकतीय या डी पल्लव। सर, राष्ट्रकूटाज, गुप्ताज, काकतीयाज, पल्लवाज। अंग्रेजी में न जाने कितना उसका। सर मुझे इसमें से बी लग रहा है, प्लीज लॉक ऑप्शन बी गुप्ताज। ओके, बी गुप्त। गुप्ताज पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं मनीषा जी। हिस्ट्री पढ़ते हैं कि नहीं आप? सब पढ़ते तो हूँ, सच में। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही उत्तर दिया। वेल प्लेड तनिषा जी। गुप्त राजवंश ने 4th century, 4th शताब्दी में सीई से 6th century CE के दौरान राज किया था। फ्रॉम द 4th to the 6th century। इस राजवंश के कुछ राजाओं में सबसे प्रचलित थे चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। जी सर। गोल्डन एज ऑफ इंडिया माना जाता है। हाँ जी, इनका राजवंश। ऑलराइट, एक व्यक्तिगत प्रश्न है। हमें पता चला है कि आपके परिवार में बढ़ोतरी होने वाली है। हाँ जी सर। और ये बड़ी ही खुशी का अवसर है, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अलग एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स अपने आप में ये। जी जी। पूरी फैमिली सर बहुत एक्साइटेड है। जी जी। और सर अलग ही ट्रीटमेंट मिलता है इस टाइम पे परिवार के द्वारा। जी जी। हर कोई मतलब जितना कर पाता है अपनी अपनी तरफ से वो करता है, कि अगर हल्का सा भी चलो तो अरे आराम से चलो, धीरे उतरना, स्टेयर्स उतरो या कुछ भी। इवन यहाँ पे भी हर जगह सर बड़ा स्पेशल सा ट्रीटमेंट मिलता है। पति देव जी भी थोड़ी ज्यादा केयर करते हैं। कुर्सी पे बैठा है कि नहीं?
अरे सर, बस, बस, आप बस, तो सर सबको ही बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, तो मुझे और स्पेशल ट्रीट किया। अच्छा ठीक है, अच्छा पतिदेव के बारे में क्या कह रही थी आप? सर पतिदेव जी भी थोड़ा स्पेशल ट्रीट करते हैं सर। करते हैं ना भाई साहब, बच गए आप। वो जो चिट्ठी लिखी थी हमने आपको फाड़ दी थी। सर लेकिन आप बोलिए ज्यादा स्पेशल ट्रीट करवाए, थोड़ा ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है सर। ऐसा है क्या? हाँ जी सर। नहीं उनसे कह देंगे वो बढ़िया ट्रीट करेंगे आपको। हाँ सर, एकदम महारानी वाला फील आना चाहिए ना। ये फेस वापस थोड़ी आएगा सर। होना भी चाहिए जी सर। अच्छा आपने अभी तक सोचा है क्या कि उसका नाम वाम क्या रखा जाएगा? तो सर हमने कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। अच्छा, और मैं चाहती हूँ सर आप फाइनली उसमें से चूज करें कि क्या नाम होना चाहिए सर। हमेशा हम गलत काम कर देते हैं। पूछ लिया प्रश्न, आ गया हम ही के ऊपर। तो कहाँ है वो लिस्ट, है आपके पास? इधर उधर। ओहो ये आ गई। बेबी बॉय और बेबी गर्ल। बेबी बॉय में है कविश, वियान और तनुष, और बेबी गर्ल में है तानी, अवीरा, स्वस्ति। बेटी होगी तो उसका नाम अवीरा रख दीजिएगा। ठीक है सर। और ये लड़का होगा तो ये कविश नाम बहुत अच्छा है, कविश। ठीक है। अब आप हमसे पूछिए जी सर कि हमने ये दो नाम क्यों चुने हैं। हाँ जी सर, बताओ। बताइए। लड़की का नाम अवीरा इसलिए चुना है ताकि जो नई पीढ़ी है वो उसको बोलेगी हाय अवी, हाउ यू डूइंग। पूरा नहीं बोल पाएंगे ना। हाँ। तो वो अवी बोलेगी जी। और वैसे ही लड़के के लिए बोलेगा हाय कैफ, हाउ यू डूइंग। बड़ा हो जाएगा। आपने निकनेम भी बता दिया साथ में। इसीलिए हमने तो वो रखा है नाम कविश। सही है। तो बड़ों के लिए कविश और अवीरा, मॉडर्न पीढ़ी के लिए आपकी जो समस्या थी उसको हमने दूर कर दिया। ओके, लेकिन अवीरा जो है वो होता है ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, और कविश किंग ऑफ पोएट्स, जी सर, कविता पाठ करने में राजा महाराजा होते। ओके, अब एक सूचना आपके लिए और, जो कि प्रत्येक कंटेस्टेंट को हमें देनी पड़ती है क्योंकि पेचीदा है यहाँ पर जगह। अगला प्रश्न आएगा दसवां प्रश्न, तो इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। टेंथ क्वेश्चन, दो लाइफ लाइन बची हुई है, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न ये रहा, मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में श्री सुशील चंद्रा का स्थान किसने लिया? इन मई 2022 हु सक्सीडेड सुशील चंद्रा एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर of India. A. Rajiv Kumar. B. Manoj Pandey. C. Om Prakash Rawat. D. Sunil Arora. Sir, Manoj Pandey तो नहीं है, वो थल सेना के अध्यक्ष हैं। Sir, मुझे राजीव कुमार लग रहा है। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, राजीव कुमार। ऑप्शन ए, राजीव कुमार जाएंगे उसके साथ। ऑलराइट, ए राजीव कुमार पे ताला लगाया जाए। सच में गलत। अब बहुत जोर से आपकी बार आपने बंद कर लिया अपने हाथ। सही जवाब दिया आपने। चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का मनीषा जी, ताली आप बच्चों के लिए। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई आपको मनीषा जी। बहुत सुंदर तरीके से आप खेली है। थैंक यू सर। ये जो आपने उत्तर दिया राजीव कुमार जी का, इसके बारे में बता दूं, मई 2022 में श्री राजीव कुमार ने श्री सुशील चंद्रा का स्थान लिया और भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त ये बने। श्री राजीव कुमार 1984 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं।
1984 बैच के। ओके मनीषा जी, यहाँ पर आकर के दो तीन चीजें हो जाती हैं। एक तो हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी का द्वार है, 17वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़। और जो एक और पड़ाव की बात की थी हमने 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए का, वो पड़ाव, वो भी धन अमृत पड़ाव जो है वो भी खुल जाता है। आमतौर पर यहाँ पर आकर के हम अपने कंटेस्टेंट से पूछे क्या कीजिएगा इस धनराशि का। कुछ हद तक हमको मालूम है कि आप क्या कीजिएगा और हम देख रहे हैं पति देव की तरफ। आप उनसे कहेंगे कि हमको, हमने इतनी धनराशि जीत ली है, हमारे लिए आप कोई गिफ्ट लाइए। हाँ जी सर। या एक महिलाओं के लिए एक स्टोर खोल दीजिए भाई साहब। सर हमने वैसे भी अभी एक नया स्टोर खोला है। अब खोल दिया ऑलरेडी। जी जी, उसमें कोशिश करेंगे कि हम एक वुमेन्स का सेक्शन डालने की कोशिश करें। डाल दिया है ना जी, बहुत अच्छी बात। तो मनीषा जी क्या कीजिएगा आप 3,20,000 रुपए? सर जैसे कि आपको पता ही है अभी नया मेंबर आने वाला है, मेहमान आने वाले हैं, हम चाहते हैं कि ऑफ कोर्स कुछ उनके लिए रखा जाएगी। okay, yeah. और उन्हीं के लिए यूज होगा सर, जैसे भी होगा। और सर अगर मैं और धनराशि जीतती हूँ अभी तो सर मेनली हमें घर बनवाना है अभी। oh. जहाँ हम रह रहे हैं सर वो हमें वैसे सब सर अच्छा है, बट सर थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है बस। oh, okay, थोड़ा ऊपर okay. नीचे का है, हम चाहते हैं हम सब एक ही फ्लोर पे हो जाएं ताकि हमें दिक्कत ना हो। जी, और बेबी की पालन पोषण में भी हमें दिक्कत ना हो। जैसे मेरी जितने भी आपकी आशाएं हैं, हाँ जी, इसको समझने के लिए बोलने के लिए आपके मुंह में घी चक। संपूर्ण हो ये आपकी बात। बम्बू बच गया है मनीषा जी। जी सर। तो आज का खेल हमें यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। जब कड़ी धूप पड़ती है तो मनुष्य उस धूप के प्रकोप से डर जाता है, लेकिन पेड़ जो हैं उस धूप से ऊर्जा लेते हैं और फलदार बन जाते हैं। तो जब आप पर मुसीबतों की कड़ी धूप पड़े तो खुद से ये पूछिएगा कि आपको उस धूप के प्रकोप से डर कर बैठना है या उससे ऊर्जा लेकर आगे बढ़ना है। ध्यान रखिएगा कि मुसीबतें आपको उतना ही डरा सकती हैं जितना आप डरना चाहते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। गुड नाइट, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बढ़िए बढ़िए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.